Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, children, this is your Prayas Hindi Sulekh book. ये आपकी कौन सी किताब है? Yes, ये आपकी हिंदी की किताब है और इसका नाम है प्रयास. क्या नाम है आपकी हिंदी की किताब का? प्रयास. And children, today we are going to do book page number 70. 7070. आज हम हिंदी में बुक पेज नंबर 70 करने जा रहे हैं और एक नए व्यंजन के बारे में सीखने जा रहे हैं. और ये कौन सा व्यंजन है? व्यंजन स. व्यंजन स. ओके चिल्ड्रन, रिपीट आफ्टर मैम. व्यंजन स. यस, वेरी गुड. स से सपेरा. स से सपेरा. ये कौन है? इसे हम सपेरा बोलते हैं. देखो ये बीन बजा रहा है ना, है ना? सो स से सपेरा. स से सर्कस. स से सर्कस. रिपीट आफ्टर मैम वंस अगेन. स से सपेरा. स से सर्कस. चिल्ड्रन, आज हम व्यंजन स के बारे में सीखने जा रहे हैं, तो चलो देखते हैं व्यंजन स से बनने वाले कुछ शब्द. स से सेब. लाल लाल सेब. स से सूरज. सूरज हमें गर्मी देता है. स से यमी यमी समोसा. स से सड़क. स से साबुन. हमें खाना खाने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोने चाहिए. स से सर्कस. सर्कस देखना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है. स से क्या है ये? सपेरा. स से सपेरा. और स से साइकिल. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स डू द वर्कशीट. So today's date is 8th of December 2021 and day is Wednesday. Today is Wednesday यानी दिन बुधवार. So आज हम हिंदी में व्यंजन स के बारे में सीख रहे हैं. So सबसे पहले हम व्यंजन स को ट्रेस करना सीखेंगे. Then उसके बाद ये जो डॉट्स लगाई हैं इन पर व्यंजन स लिखेंगे. So मैम ने देखो वर्कशीट में एक लाइन ड्रॉ की है, आपको हाफ वर्कशीट करनी है. आज के लिए मैम ने आपको ये हाफ वर्कशीट दी है. ये हाफ वाली हम नेक्स्ट डे करेंगे, यानी कि कल करेंगे. ओके चिल्ड्रन, सो सबसे पहले ये जो डॉट्स लगाई हैं इनको ज्वाइन करते हुए हम व्यंजन स को लिखेंगे. सो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हमने क बनाना सीखा. देन सेकंड में हमने क्या सीखा? देखो हमने क बनाकर और यहाँ से एक स्लैंटिंग लाइन लगाई, यानी कि ये व्यंजन र बनता है. सबसे पहले हमें व्यंजन र बनाना है. सो देखो एक बार फिर से व्यंजन र को बनाकर ऐसे हमें एक स्लीपिंग लाइन लगानी है. ओके सो उसके बाद फिर से देखेंगे. व्यंजन र बना पहले, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन. और व्यंजन के ऊपर तो हम स्लीपिंग लाइन लगाते ही हैं. ये बन गया व्यंजन स. एक बार फिर से देखेंगे. क स्लैंटिंग लाइन, ये बन गया र. फिर हमें इसमें एक स्लीपिंग लाइन लगानी है जो कि ब्लू लाइन के ऊपर आएगी. देन स्टैंडिंग लाइन और ये बन गया व्यंजन स. एक बार फिर से देखें. यस, ऐसे कर्व, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड ऊपर एक स्लीपिंग लाइन, व्यंजन स. ये ऐसे सबसे पहले आप ये जो टू लाइंस दी हैं इनमें व्यंजन स को ट्रेस करोगे. देन अभी देखिए व्यंजन स को कैसे लिखेंगे हम. सबसे पहले ये जो डॉट है यहाँ से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट जो टू लाइन है इनमें कर्व बनाएंगे लाइक दिस.
देन ऐसे टर्न करते हुए एक स्लैंटिंग लाइन लगाएंगे, स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन व्यंजन के ऊपर, ये बन गया व्यंजन स। स का टर्न करते हुए स्लैंटिंग लाइन, र व्यंजन बनाएंगे। पहले हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, पहले र बनाकर स्टैंडिंग लाइन, फिर हम स्लीपिंग लाइन लगा सकते हैं, ऐसे भी हम व्यंजन स लिख सकते हैं। ओके, आप दोनों तरह से लिख सकते हो। आप क बनाकर टर्न करके स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन लगाकर और स्टैंडिंग लाइन लगाकर भी लिख सकते हो। ओके चिल्ड्रन, आई होप कि आप सबको व्यंजन स लिखना आ गया है अभी। सो नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट, हाफ वर्कशीट कंप्लीट करोगे आप एंड सेंड इट टू मैम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।